एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण के पांच बेटियां थी। पांचों भगवान शिव जी की पूजा पाठ किया करती थी, दिया जलाती थी और पांच दिन तक अमर सुहाग की कहानी सुनती थी। चारों बेटियों का दिया बहुत देर तक चलता, पर पांचवी का दिया जल्दी बुझ जाता। बेटी ने घर आकर माँ से भी कहा तो माँ बोली कि बेटी तो उसमें घी ज़्यादा डाला कर। थोड़े समय के बाद पांचों का विवाह कर दिया गया। चारों के घर में बहुत सारी धन दौलत थी, पर पांचवी का पति रोज कमा कर लाता, रोज खाता, फिर भी वह संतोष रखती। एक दिन पांचवी बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियां लेकर जंगल से काटकर बेचने लाया तो उसने पूछा, आज इतनी ही लकड़ियां कैसे लाए हो? पति ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर पांचवी बेटी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल जाने लगा तो बेटी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों साथ जंगल को गए, थोड़ी लकड़ियां काटी और पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अब वो उसे साथ लेवे तो वो उठे नहीं और उसे छोड़ भी नहीं सकती। उसने अपने पति का सिर गोद में सुलाया और जोर जोर से रोने लगी कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उड़ता ही नहीं। उसी समय उधर से भगवान शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। भगवान शिव जी माता पार्वती से बोले, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ। माता पार्वती बोली, भोलेनाथ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास आकर हाल चाल पूछा तो उसने सब बात कह सुनाई। सब हाल चाल जानकर भगवान शिव जी बोले कि इसे घर क्यों नहीं लेकर जाती, ये तो मर गया है। तब बेटी बोली, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी और जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव जी को उस पर दया आ गई और बोले, तो वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था। उसने कहा, हाँ। तो भगवान शिव जी बोले कि तूने दिया तो जलाया पर कभी अमर सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। बेटी भगवान शिव जी के पैर पकड़कर बोली, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहोगे मैं वही सब करूँगी। भगवान शिव जी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति अंगड़ाई लेकर बैठ गया और बोला, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। पत्नी बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आवे, चलो अपने घर चलो, मुझे अमर सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में पांच स्टील की कटोरियां, पांच चूड़े, मौली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस, श्रद्धा अनुसार सुहाग सामग्री व रुपये पांचों कटोरियों में रखकर मंदिर या ब्राह्मण को देवे। स्टील की कटोरे में सभी सुहाग की सामग्री व रुपये ब्लाउज पीस महादेव जी के मंदिर में चढ़ावे व एक स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव जी को जोत जलावे। बची हुई बाकी चार स्टील की कटोरियां और सुहाग की सामग्री बहन बेटियों को
या ब्राह्मण को दे सकते हो। उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई, घर में ठाट बाट हो गए, दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तो हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने उस पर कृपा करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की जय हो।